अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए एफ किचन फूड जायका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ असमा। तो मैं आज लेकर आई हूँ समर स्पेशल, जी हाँ, कच्ची कैरी का शरबत। जी हाँ, ग्रीन मैंगो जूस भी कह सकते हैं आप इसको, कच्ची कैरी का शरबत भी कह सकते हैं। तो आइए इसको हम न्यू ट्रिक से बताएंगे और न्यू ट्रिक से हम बनाने वाले हैं। तो आइए टेस्टी टेस्टी ठंडा ठंडा हमारा कच्ची कैरी का शरबत। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या इंग्रीडियंट्स लगे हूँ, 3 कच्ची कैरी आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। तो अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 ग्लास शक्कर, जी हाँ, और 1 लीटर पानी जो अच्छे से चिल्ड हुआ है, आप देख सकते हैं चिल्ड वाटर। और यहाँ पर है आइस। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून है हमारा सॉल्ट यानी कि नमक। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर, जो ग्रीन फूड कलर आता है वो कलर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 लेमन और 1 जलजीरे के पैकेट। तो अब हम इन सारी चीज़ों से बनाएंगे इसका कच्ची कैरी का शरबत। तो पहले मैं करती हूँ फ्रेंड्स इसको बॉईल कर इसका अच्छे से पेस्ट बना, अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसका अच्छे से ग्राइंडर के जार में उसका पेस्ट रेडी कर लिया है फ्रेंड। जी हाँ, इसके अंदर लम्स नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो आप लोग देख सकते हैं बिना लम्स वाला। तो मैंने इसके अच्छे से बॉईल करके उसके ऊपर से स्किन निकाल लिया है और ये अंदर से अच्छे से पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमें इसका अच्छे से शरबत बनाकर रेडी कर आपको दिखाएंगे, को डेकोरेट कर लेंगे। देखिए, तो ग्लासेस को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक फाइबर की प्लास्टिक की प्लेट। जी हाँ, फाइबर की प्लेट। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी शुगर, ये देखिए 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर लीजिए। तो अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, फूड येलो कलर है, देखिए आप देख सकते हैं लेमन येलो कलर। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून, ये देखिए। तो इस शक्कर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, येलो येलो कलर आ जाएगा इसके ऊपर अच्छे से। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये अच्छे से एकदम येलो हो चुकी है शुगर हमारी। तो अब हम इस ग्लासेस को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। जी हाँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ ले रही हूँ दूसरी वाली प्लेट के अंदर पानी। तो मैं पानी में इस ग्लास कोल्ठी पकड़ के इसको अच्छे से राउंड घुमा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो अब हम ले लेंगे इस शुगर के अंदर इस शक्कर, ये देखिए अच्छे से, ये देखिए। अब हम इसको अच्छे से डिप कर लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी ग्लास को भी इसी पानी में डिप। अब हम इसको भी अच्छे से राउंड राउंड घुमा लेंगे इस शुगर से, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये शुगर इसको अच्छे से कवर हो जाएगी, ये देखिए फ्रेंड्स। तो ये एकदम अच्छे से ग्लास हमारी डेकोरेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर ज़बरदस्त हो चुके हैं, दिखने में गुड लुकिंग दिख रही है ग्लास डेकोरेट वाली, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब हम इस साइड वाली जो साइड से चीनी आ चुकी है उसको निकाल देंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ज़बरदस्त ये अच्छी दिख रही है खूबसूरत डेकोरेट वाली ग्लास हमारी। तो अब हम इनको साइड में रख देंगे डेकोरेट करके, इन सारे सामान को हम हटा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है एक स्टील का पकौना। जी हाँ, मैं डाल रही हूँ उसके अंदर एक बॉटल यानी कि 1 लीटर चिल्ड वाटर। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो अब मैं डालूंगी इस कैरी का जो पेस्ट हमने बनाकर रेडी रख दिया था वो हम इसमें इस चिल्ड वाटर में ऐड कर लेंगे। देखिए, ये बहुत ही ईजी स्टेप्स है, बहुत ही, आप लोग मेरे स्टेप्स अगर फॉलो करके बनाएंगे तो ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी। आज तक किसी ने आपको इस ट्रिक के बारे में नहीं बताया होगा, तो ये ट्रिक मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग इस ट्रिक से बनाइए, इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए, समर स्पेशल है ये। तो अब हम थोड़ा ऐड कर दिए हैं, तो ये अच्छे से हमारी शुगर घुल रही है, मेल्ट हो चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो अब मैं डालूंगी यहाँ पर नमक। नमक डालने से हमारी जो कैरी का खटासपन होता है, खट्टापन, वो दूर हो जाता है नमक डालने से फ्रेंड्स। को अब ये भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर बर्फ़, जी हाँ, आइस, ये देखिए। तो ये और भी ठंडा हो जाएगा, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर, जी हाँ, ग्रीन फूड कलर, देखिए एप्पल ग्रीन कलर। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी फ्रेंड्स, ले रही हूँ 1/4 टीस्पून, देखिए आप देख सकते हैं स्पून से 1/4 टीस्पून, तो ग्रीन ग्रीन कलर इसका आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स। तो कच्ची करी का शरबत एकदम ग्रीन ग्रीन वाला, बहुत ही टेस्टी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए, जलजीरे के पैकेट, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है फ्रेंड्स। तो जलजीरे के पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ ऐड, जलजीरा, जी हाँ। तो अब हम जलजीरा इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर लेमन, देखिए लेमन। अब हम इसके अंदर लेमन का जूस को ऐड करेंगे, तो ये जूस बहुत अच्छा है, खट्टा मीठा बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए। तो ये एकदम क्रीम क्रीम हमारा फाइनली अच्छे से जूस कच्ची कैरी का बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से सर्व करेंगे। यह है डेकोरेट किए हुए ग्लास के साथ, मैं आइस क्यूब्स डाल रही हूँ, देखिए अच्छे से हम आइस क्यूब्स को ऐड कर देंगे इसमें, देखिए। तो अब हम डालेंगे हमारा चिल्ड, हमारा कच्ची कैरी का शरबत यानी कि जूस, देखिए ग्रीन ग्रीन, देखिए बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी, कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है समर स्पेशल। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए फाइनली ये अच्छे से रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो अब हम इसमें लगा देंगे 1 मिनट, जी हाँ। तो एकदम रेडी हो चुका है हमारा कच्ची कैरी का शरबत। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़।